दोस्तों, जो अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं और साथ ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना ने सिपाही जीडी भर्ती के योग्यता नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है और इसके लिए सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। दोस्तों, जो अगर आप सेना भर्ती में रुचि रखते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर सेना नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने 10वीं पास महिलाओं के लिए कई पदों पर सीधी ओपन भर्ती निकाली थी, जिसमें भारतीय सेना को मिलिट्री पुलिस पद के लिए योग्य कैंडिडेट्स की जरूरत है और अब सेना ने इस भर्ती के योग्यता नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों, अब इस भर्ती रैली में सिर्फ भारतीय गोरखा महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। इसके पहले जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार भारत के साथ नेपाल की भी गोरखा महिलाएं सिपाही जीडी पद के लिए आवेदन कर सकती थी। भारतीय सेना ने इस संबंध में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्यता में बदलाव के नोटिफिकेशन में कहा गया है, महिला मिलिट्री पुलिस सिपाही जीडी भर्ती के नोटिफिकेशन के पैराग्राफ नंबर 2 में संशोधन किया गया है, जिसमें अब सभी गोरखा नेपाल और भारत की बजाय सिर्फ भारतीय गोरखा को रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस में महिला सिपाही जीडी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जून से ही जारी हो चुकी है, जिसमें कि महिला अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं और इसके तहत कुल 100 रिक्त पद भरे जाने हैं। इसके लिए देश के विभिन्न शहरों में भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इनमें अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग आदि शामिल हैं। महिला मिलिट्री पुलिस में सिपाही जीडी पद के लिए 10वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 10वीं कक्षा में न्यूनतम 45% अंक होने जरूरी हैं। साथ ही प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक होने जरूरी हैं। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए सेना के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।